फ्रेंड्स एडुकेशनल पर चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए एक नई अपडेट को लेकर। तो ये अपडेट है आउटसोर्स कर्मचारियों और एसएमसी शिक्षकों के लिए। तो आपको पता है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो आज शिमला में हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे, तो उनके सामने सीएम ठाकुर जी ने अपना जो भाषण है वो पेश किया। तो उस भाषण में उनके लिए क्या कहा गया है, तो ये हम उन्हीं के मुँह से जानेंगे। तो एक क्लिप जो उनके भाषण की वो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो ये रही वो। पहले शुरू तो सही, आखिरकार उनकी समस्या का समाधान का रास्ता क्या कह सकता है, और समाधान की दृष्टि से सुनने का कोई प्लेटफॉर्म तो बने, कोई ऐसी जगह तो बने जहां वो अपनी बात को सामूहिक रूप से आकर के कह सके, अपना सुझाव दे सके, और उस सुझाव के माध्यम से आगे का रास्ता क्या निकल सकता है, उसके बाद हम उस पर चर्चा करें। तो बात चर्चा करने के बाद निर्णय किया हमने कि हम कैबिनेट सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें श्री महेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में, जिसमें सुरेश भारद्वाज और चौधरी जी भी सदस्य हैं, दिल्ली मंत्री, वो सारी चीजों को अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि उसका रास्ता क्या है। और इसके साथ हम ये ऐसे भी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों की प्रैक्टिस क्या है, क्या कोई ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश ने कुछ ऐसा काम किया है जिसको हम फॉलो कर सके, जिससे आपके इस वर्ग को हम राहत दे सके। क्या केंद्र के स्तर पर आज से पहले जो हमारे जितने भी आउटसोर्स में लगाए उनके लिए कोई नीति का निर्धारण हुआ है ऐसी सारी चीजों का, तो हमारी ये सारी कमेटी उन सारे नियमों की सारी चीजों को नियमों को भी स्टडी कर रहे हैं जिन अलग अलग प्रदेशों के, और उसके साथ साथ में अलग अलग प्रदेशों के नियम और उस व्यवस्था को भी अध्ययन करने के साथ आप लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि आप लोग भी हमको रास्ता समाधान की दृष्टि से क्या हो सकता है इस बारे में हमको बताएं, और कुछ चीजों को लेकर के सुझाव आप लोगों के आए। पर कुछ जगह के सुझाव जो है वो एक तरह के हैं, कुछ जगह सुझाव अलग अलग तरह के। हम कोशिश कर रहे हैं, हमें इस बात के लिए मैं आप सबके बीच में जरूर कहना चाह रहा हूं, हमारी मंशा है आप मदद करें, और मंशा मदद करने के लिए रास्ता निकालने के लिए जो हमने जो एक व्यवस्था की है उस व्यवस्था को हमको आगे बढ़ाने की दिशा में आप सबका भी सहयोग चाहिए। कई बार कुछ लोग ऐसे भी करने की कोशिश करेंगे कि भाई नहीं अभी करो, इसी वक्त करो, आज ही करो, यही करो, ऐसा मुझे लगता है कि वो उचित। कोई भी चीज अगर हम पीटीए के बारे में अगर हमने अंतिम अंजाम तक उस चीज को पहुंचाया, वक्त लगा, लेकिन टेक्निकल चीजों को एक एक चीज को सटल करके हमने जो है उसको पूरा किया, ताकि उसमें कहीं भी इस तरह का प्रावधान, इस तरह की गुंजाइश न रहे, ताकि कोई कोर्ट में फिर जाकर के उठ जाए। और उसी तरह से एसएमसी के लिए भी हमें वही करने की कोशिश करें कि कोई टेक्निकल चीजों को बारीकी से लीगल ओपिनियन, लॉ के ओपिनियन, सारी चीजों को लेकर के हम उनको अध्ययन करें, उसके बाद फिर हम आगे। और इसी तरह से आप जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं आपके लिए क्या रास्ते निकल सकते हैं, क्या एक रास्ता निकल सकता है, क्या अलग अलग रास्ते निकल सकते हैं, इन सभी बातों को लेकर के हम बारीकी से इसका अध्ययन कर रहे हैं, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और मैं आज आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं, स्वाभाविक रूप से आप सब लोग इस बात को लेकर के चिंतित भी हैं, व्यथित भी हैं, आपको समय भी लग गया, यहाँ काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पहुंच करके मैं क्षमा चाहूंगा कि विधानसभा का सत्र चला रहा है, और विधानसभा के सत्र में हर बात का जवाब देने के लिए वही उपस्थित रहना पड़ता है। अभी मैं बाहर आ गया थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर जो हमारे कुछ लोग मिलने आए थे, तो हमारे विपक्ष के मित्र बाहर चले गए, उसके मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो हम सबको देना था विधानसभा के अंदर किसी विषय को लेकर, अभी इसके तुरंत बाद मुझे फिर जाकर के अंदर जाकर के जवाब देना है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप किसी प्रकार से जो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन का इस माहौल को कायम रखें, और जो भी बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ निकल पाएगा, रास्ता निकल पाएगा, उस रास्ते में हम ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कैसे हो सके उस रास्ते को निकालने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप लोग इस बात को लेकर के खासतौर से
चाह रहे होंगे कि भाई आज ही घोषणा हो। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। आपका हमने एक तरीका जो निकाला है, उस तरीके को जो जिस तरह से मैंने कहा कि सुझाव के माध्यम से आगे बढ़ने का जो टेक्निकल चीजें हैं उनका एक एक का कैसे रास्ता निकल सकता है, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी हमेशा मदद करने की सदैव रहेगी। इस बात को लेकर के मैं स्पष्ट करना चाहूंगा और आने वाले समय में मैं ये भी कहना चाहूंगा जो आपके डेलीगेशन जो प्रतिनिधि हैं वो मिलकर के सारे विषय को लेकर के हमसे बातचीत भी करेंगे, हमारी टीम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की उनके साथ बातचीत भी करेंगे। और बातचीत करने के बाद जैसा समय जब भी कोई जिस तरह से इस तरह का जो रास्ता इस पर निकल आएगा हम स्वयं ही आपको फोन करके बता करके जो है बताएंगे कि ये रास्ता है। अगर आपको इस रास्ते को लेकर के लगता है कि ये उचित है तो हम आगे बढ़ करके जो है आपकी मदद के लिए जो गुंजाइश निकल आएगी उस गुंजाइश को पूरा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और आप सब आज यहाँ पर आए और सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शांतिपूर्ण तरीके से बहुत शालीनता और यहाँ पर सारे लॉन्ड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए यहाँ पर आए हैं और अपनी बात इस प्रकार से आप लोगों ने अपने प्रसार के माध्यम से हमारे समक्ष रखी है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि ज्यादा आगे करने से समस्या का समाधान होता है, मैं समझता हूँ कि वो नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी बात कहने का आपको अधिकार निश्चित रूप से है। आपने अपनी बात कही, हम तक पहुंचाई और जैसा मैंने आप सबसे निवेदन किया है कि आप थोड़ा संयम रखते हुए हमारे उस फैसले का भी इंतजार करें जिसको हम आपकी टीम के साथ जो प्रदेश के लिए आप लोगों ने टीम बनाई है उस टीम के साथ समय समय पर हम चर्चा भी करते रहेंगे, समय समय पर उस पर जो है चर्चा करने के बाद जानकारी भी देते रहेंगे। ये मैं आपको बीच में कहना चाहता हूँ। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जय।